Hi everyone, this is Yasir Khan Rokhri. I hope everyone is doing very well. Basically, I wanted to take some time out and thank every person, particularly my friends and especially the new fanciers. Aap logon ki mohabbat ka, aap logon ki pazirai ka, aap logon ki chahat ka bahut bahut shukriya. Aap logon ki mohabbat ki wajah se main bahut encourage hua. And I really want to thank you for the love you have shown for me so far. And I want to request you to extend me the same love in the future, because obviously it is your love that encourages me and I keep doing the work that I'm doing. Kafi dost mere se kuch sawal poochte rehte hain. Alhamdulillah, sab dost pure Pakistan se raabte mein rehte hain. Messages aate rehte hain, WhatsApp aate rehte hain. Aur different mere se wo questions poochte hain. Maine ye socha hai कि वो जो frequently asked questions हैं उनके हवाले से, उनके टॉपिक पे मैं जो different मेरे से सवालात बार बार पूछे जाते हैं उन पे मैं बात करूं और उन पे मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, सो दैट जितने लोग जानना चाहते हैं वो सब उनको पता चल जाए, इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग हो जाए. तो जो फ़ायदा मुझे इसी तरह अपने सीनियर से हुआ, और मैं चाहूँगा कि यंग फैंसियर को मेरे से जो फ़ायदा हो सकता है वो ज़रूर हो. एक बड़ा रिपीटेडली एस्ड क्वेश्चन है कि मैं इस फैंसी में कैसे आया, बर्ड ब्रीडिंग मैंने कैसे शुरू की और इस काम में मैं कैसे एंटर हुआ. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन दैट नॉर्मली पीपल आस्क मी. इसकी डिटेल बड़ी लंबी है जी, इसके लिए यू विल हैव टू बेयर विद मी एंड आई विल हैव टू गो इनटू माय बैकग्राउंड. When I was a kid, I went to Crescent Model Higher Secondary School. Education mein alhamdulillah kafi acha tha, lekin uske sath sath kafi mera interest tha co-curricular activities mein bhi. I was involved very heavily into sports, cricket kheli, hockey kheli, swimming ki, kafi involvement rahi meri different levels pe. क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में हाउस सिस्टम होता है. आई वॉज़ ऑल्सो नेम्ड एज कैप्टन ऑफ इकबाल हाउस. इकबाल हाउस का हाउस कैप्टन रहा. अपने दौर में वो बड़े ऑनर की बात होती है जब आप अपने स्कूल में किसी हाउस को अगर आप कैप्टन कर रहे हैं. इकबाल हाउस में तकरीबन कुछ 250-300-400 बच्चा यानी कि उस हाउस को रिप्रजेंट करता था. तो वेन यू आर द हाउस कैप्टन तो आपकी बैक पे यू नो एक ह्यूज क्राउड होता है लड़कों का जो आपको हीरो वर्शिप कर रहे होते हैं, और यंग एज में ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ों को बड़ा इन्जॉय करते हैं. दिस लाइफस्टाइल कंटिन्यूड एज आई वेंट फॉरवर्ड. उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSC प्री मेडिकल की, और उसके बाद वहीं से मैंने BSc साइंस में की. जब मैं GC में था तो ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू आई वॉज वेरी हैवीली इन्वॉल्व्ड इन टू स्पोर्ट्स. तो क्रिकेट खेली, GC क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया, और लकीली उसी दौर में आई वॉज नेम्ड फॉर लाहौर Under-19, जो नेशनल Under-19 क्रिकेट चैम्पियनशिप होती है उसमें मुझे लाहौर की नुमाइंदगी करने का मौका मिला. अगले साल लाहौर का कप्तान बना. लाहौर Under-19 का कैप्टन अगेन उस एज में 17-18 साल की उम्र में आपको काफ़ी स्टार्डम मिलता है. लाहौर में उस दौर में काफ़ी क्लब्स होते थे, हर क्लब में 60-70 लड़का होता है. तो आप जब लाहौर के कप्तान होते हैं तो बेसिकली यू नो चंद हज़ार लड़का आपके इर्द गिर्द होता है और आपको हीरो वर्शिप कर रहा होता है. ये सारी बैकग्राउंड बताने का एक मकसद है, इसलिए मैं आपको ये सारी तफसील दे रहा हूँ. खैर, इंग्लैंड वहाँ से मैं फारिग हुआ. उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मैंने MBA किया. और जब इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में पढ़ रहा था तो उसी ज़माने में डर्बी शायर को रिप्रेजेंट किया लीग में, और उसके अलावा एक सीज़न कैंट से भी खेला एज अ पेड प्रोफेशनल. अगेन उस एज ग्रुप में उन टाइम्स में बड़े एजाज़ की बात होती है जब आप पेड प्रोफेशनल के तौर पे कहीं खेल रहे हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप अपनी काउंटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगेन उसमें छोटा मोटा स्टार्डम इन्वॉल्व होता है. एक्सक्यूज़ मी. खैर जी, ये इस तरह से लाइफ गुजरी, पढ़ाई और साथ साथ एक्टिविटी. अब जो भी ये एक्टिविटीज़ रहीं, जो भी लाइफस्टाइल रहा, इसमें
ایک چیز کامن یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت تھی، آنا جانا دوستوں کا بہت تھا، بڑی ہیپننگ لائف تھی، بڑی انرجی تھی، بڑی ایکٹیویٹی تھی۔ اوبویسلی جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو پھر آپ یو گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز مینی تھنگز جو ینگ ایج کے ایک لائف اسٹائل کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو بڑا ایکٹیو سوشل سرکل اور ساتھ بڑی ایکٹیو پارٹی لائف، اور یہ سب کچھ چلتا رہا۔ خیر، اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ایک ٹائم آیا اور خیال آیا کہ یار اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان صوفی الحاج محمد حبیب اللہ شاہ سجادہ نشین نقیب آباد شریف کی نظر کرم کا بڑا اثر، بڑا ان کی مہربانی، ان کی نظر کا یہ فیض تھا کہ تبدیلی کی خواہش پیدا ہوئی، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اچھا جی، اب اچھا انسان بننا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ جو ایکٹیو لائف سٹائل تھا جس میں چار بندے آ رہے ہیں، چار بندے جا رہے ہیں، آج ادھر پارٹی ہے، کل ادھر پارٹی ہے، کل آپ انگلینڈ جا رہے ہیں، اب وہاں انجوائے کر رہے ہیں، تو لائف بڑی ہیپننگ تھی۔ جب آل آف اے سڈن میں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی، تھوڑا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی، تو انیشیلی لائف بیکیم ویری بورنگ۔ مجھے یہاں ایک بڑی مزیدار بات یاد آ گئی۔ ونس آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی سن موسا خان روکھڑی، اس کو میں نے کہا یار موسا، تب چھوٹا تھا کافی، اب ماشاء اللہ ہی از ان گریڈ 10، اس وقت آئی تھنک وہ تھرڈ یا فورتھ میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا موسا، آئی ٹولڈ موسا وائی ڈونٹ یو ٹرائی ٹو بی اے گڈ بوائے، تو ہی سیڈ بابا اٹس ویری بورنگ ٹو بی اے گڈ بوائے۔ تو آئی اینڈ دیٹ تھنگ کلکڈ۔ اوبویسلی اٹس ناٹ ایزی جب آپ ایک سیدھے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شروع میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آپ بور ہو جاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ لائف میں ختم ہو جاتی ہے۔ خیر جی، یہ ساری اسٹوری آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک پیچ ایسا آیا جس میں میں بڑا بور ہو گیا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، مزہ آنا اس طرح بند ہو گیا۔ اوبویسلی جب آپ کے پاس کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہ ہو تو سوشلائزنگ کا بھی پھر وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے آتا تھا۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے آئی کین میک مائی لائف مور ہیپننگ اگین، آئی کین ڈو سم تھنگ جس میں میرا انٹرسٹ ہو، جس کو میں انجوائے کروں، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ہیو این ایکٹیویٹی جو پیورلی میرے اپنے لیے ہو۔ تو اس دوران پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار بچپن میں جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں نے ایک دفعہ کچھ بجیز رکھے، کچھ برڈز رکھے، اور میرے پاس تقریباً کوئی 200-300 خرگوش ہوتا تھا، ایک ہرن تھا، دو کونجیں بھی ہوتی تھیں۔ تو مختلف ٹائمز پہ آئی واز ان ٹو اینیملز اینڈ برڈز، بٹ دیٹ واز ان پریٹی ارلی ایج۔ آئی تھنک آل تھینکس ٹو مائی ڈیڈ، شاید ان کو شوق تھا یا انہوں نے مجھے انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جنریٹ کر کے رکھی ان دوز ٹائمز۔ خیر جب میں نے یہ سوچا تو آئی ریئلائز کہ یار وہ آئی انجوائڈ کیپنگ برڈز وین آئی واز ینگ۔ سو وہاں سے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ اوکے یار لیٹس اسٹارٹ دا برڈ ایکٹیویٹی، اینڈ دے برڈس رکھتے ہیں، برڈس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، اور ایک جو لائف میں بورڈم یا بوریت آ رہی ہے اس کو کل کرنے کے لیے، یعنی اس ہابی کو انیشیٹ کرتے ہیں دوبارہ۔ آئی اسٹل ریمبر جی، اٹ واز 21st February 2016، آئی ریپیٹ، اٹ واز 21st February 2016، آئی وینٹ ٹو ٹولنٹن مارکیٹ ود اے فرینڈ، اور وہاں سے میں کوئی 10-15 جو عام سادہ بجری گھر ہوتے ہیں یہ کو لے آیا، کوئی ایک دو لو برڈز لے آیا، اور آئی تھنک ایک دو کاکٹیل کے بھی پیئر اس میں شامل تھے۔ بڑا خوش ہوئے جی، لگا کہ یار کمالی طوطے لے لیے ہیں اور کیا بات ہے، اور پیورلی جو اس وقت چوائس کی گئی وہ کی گئی برڈز کی رنگوں کے اوپر کہ یار یہ رنگ بڑا اچھا ہے یہ لے لیتے ہیں، یہ والا بھی بہت اچھا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر وہ میں طوطے لے آیا، بڑا مزہ آیا جی، ایک دو دن بڑا انجوائے کیا۔ سادہ سا پنجرا، یعنی کہ وہ ایک عجیب جو پرابلی ٹریول کیج جس کو آپ کہیں گے، اس طرح کا ایک کیج تھا،
वो उस केज में मैं तोते छोते रख के मैंने हॉबी शुरू कर दी। खैर शौक ऐसा डेवलप हुआ कि फिर मैंने एक अपनी तरफ से उस वक्त बड़ा सोच समझ के एक बड़ा कमाल किस्म का पिंजरा तैयार करवाया और बॉक्सेस मंगवाए और बॉक्सेस को यानी कि वो उन बॉक्सेस को पेंट भी मैंने खुद किया अपने हाथ से। एक मेरा साथ मुलाजिम मैंने लगा लिया और एक खुद लगा लिया और सारा कुछ खुद किया अपने हाथ से। बेसिकली इट शोड दैट हाउ इंटरेस्टेड आई वॉज एक्सक्यूज मी एंड हाउ कीन आई वॉज इन दैट थिंग एट दैट मोमेंट। खैर वो स्टेज हुई जी। उसके बाद मुझे एक और ख्याल आया कि यार बचपन में जब मैंने ये बर्ड्स रखे थे तो मुझे बड़ा शौक होता था कि यार ये इंक्रीज़ हों, एग्स आएँ को और उनके बच्चे निकले और ये मल्टीप्लाई हों। एक मेरा और दोस्त था, उसके बड़े भाई ने भी बचीज रखे हुए थे और जब मैं उसके घर जाता था तो पता चलता था कि जी वो तो अब कुछ नए चिक्स निकले हुए हैं, अब तो इंक्रीज़ हो गए हैं, अब इतने हो गए हैं, अब इतने हो गए, ये हो गया है। ऑब्वियसली आई वॉज़ वेरी यंग, आई थिंक प्रॉब्ली आई वॉज 8, 9 or 10 जब मेरे पास वो बर्ड्स थे एंड आई डिड नॉट नो जैक शिट अबाउट हाउ टू ब्रीड देम। बट मुझे ख्वाहिश बड़ी होती थी कि यार उस ज़माने में वो कुजे चुजे लगे होते थे, पता नहीं किसी मुलाजिम ने लगा दिए थे, मुझे तो उसका भी आइडिया नहीं था। खैर वो कुजे चुजे लगे होते थे जी, लेकिन वो ब्रीड श्रीड कभी नहीं आई। बट 2, 4, 5 दफ़ा हम बड़े एक्साइटेड हुए कि जी वो एग्स चेग्स ले हो गए और इवेंचुअली ऑब्वियसली वो डेड इन शेल हो गए बिकॉज वी डिडंट नो व्हाट हाउ टू ब्रीड देम एंड हाउ टू कीप बर्ड्स। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि यार यंग एज में मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो ब्रीड नहीं मैं ले सका था। तो वो जो एक ख्वाहिश थी ना कि यार मैं उस वक्त नहीं ले सका, उसने मुझे ये ख्याल या ये थॉट दिया कि यार नाउ आई एम एन एडल्ट एंड नाउ आई कैन रिसर्च एंड नाउ I can understand and learn how to take breed. I think wherever I am today, इसमें इस ख्वाहिश का बड़ा अमल दखल है। इस ये जो एक ड्राइव मेरे अंदर आई वो बेसिकली ओरिजिनेट यहीं से हुई कि चलो यार तब तो किसी ने बताया नहीं, पता नहीं था, तो अब तो यू नो पूछ भी सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं, तो ब्रीड लेनी चाहिए। खैर जी ये बोल्टन बर्ड मार्केट में एक साहब हैं, उनको उस्ताद मुन्ना कहा जाता है। उस्ताद मुन्ना साहब जनाब बड़े फेमस हैं, डेमी गॉड हैं इस टोलेंटन मार्केट, सॉरी वॉल्टन की जो बर्ड मार्केट है वहाँ पे वो गॉडफादर समझे जाते हैं। खैर किसी रेफरेंस से उस्ताद मुन्ना साहब से रब्ता हुआ, उनको बुलवाया, मुन्ना साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने फिर बताया कि यार ये तो जो बर्ड्स आपने सारे रखे हुए हैं ये तो कोई क्वालिटी नहीं है और ये तो बस ऐसे ही हैं। खैर उन्होंने इनिशियली मुझे गाइड किया कि क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कौन से बर्ड्स होने चाहिए कौन से नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक पहले स्टेप पे मुझे उस्ताद मुन्ना ने बड़ा हेल्प आउट किया। वॉल्टन पे जहाँ पे बर्ड मार्केट है उसी नेबरहुड में उस्ताद मुन्ना साहब के आई थिंक नेबरहुड में खुरम ज़िया साहब इज़ अ गुड ब्रीडर, वो भी वहीं पर रहते हैं। उस्ताद मुन्ना साहब के रेफरेंस से भी खुरम ज़िया साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ अच्छी दोस्ती हुई, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। उनके रेफरेंस से फिर पीर जी से मुलाकात हुई, पीर जी के साथ भी अच्छा टाइम गुजरा और एक दिन फिर शेख साहब का जिक्र हुआ तो फिर खुरम ज़िया साहब की भी उनके साथ कोई इतनी इंट्रैक्शन नहीं थी तो मैंने उनको कहा ठीक है आप शेख साहब से टाइम करें, उनको कॉल करें, लेट्स गो मीट हिम। मैं और खुरम ज़िया फिर नवीद शेख के पास गए, शेख साहब के साथ मुलाकात हुई। शेख साहब एज़ यूजुअल एक एंटरप्राइजिंग और एंटरटेनिंग किस्म की पर्सनालिटी हैं, शेख साहब ने बड़ा इनक्रेज किया, बड़ा मोटिवेट किया और फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग लवबर्ड्स प्रॉपरली। शेख साहब से मैं कुछ एल्बाइनो रेड आइज और लुटिनो रेड आइज के पेयर्स लेके आया एंड दैट इज़ व्हेन आई प्रॉपरली स्टार्टेड ब्रीडिंग बर्ड्स। दिस इज़ आई थिंक डिसम्बर 2016। खैर जी दिसंबर 2016 में आई स्टार्टेड ब्रीडिंग बर्ड्स प्रॉपरली। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जब मैं लोगों को मिलता था तो कोई कहता था मैं 20 साल से ब्रीड करा रहा हूँ, कोई कहता था मैं 25 साल से ब्रीड करा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं कोई ब्रीडिंग में अब मैं बड़ा किंग कमाटा हूँ, या कुछ लोग समझते हैं कि शायद ब्रीडर्स में एक मेरा भी नाम है।
लेकिन मेरा टोटल ब्रीडिंग एक्सपीरियंस आपके सामने है. आई स्टार्टेड इन दिसंबर 2016 एंड दिस इज़ 2019 अल्हम्दुलिल्लाह. विद इन 3 years ये सफ़र यहाँ तक तय हुआ. खैर नवीद शेख साहब से मुलाकात रहना शुरू हो गई. फिर शेख साहब मुझे LSP में लेके गए. LSP में नदीम खान साहब का बड़ा मैं मशहूर हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया, उनसे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला. कौन से बर्ड्स लगाने चाहिए, बर्ड्स यूरोप से इंपोर्ट करने चाहिए, यूरोपियन ब्रीडर्स के साथ रابطہ रखना चाहिए, उनसे डायरेक्टली लर्न करना चाहिए. आई थिंक द होल ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू नदीम खान. ये उनकी गाइडेंस थी, उनकी गाइडेंस से ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा. खैर जी फिर इवेंचुअली आई बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ LSP एंड देन आई बिकेम द चेयरमैन ऑफ LSP. बहुत सारे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट की, बहुत सारे ब्रीडर्स ने काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन आई वुड से कि पर्सनल रिसर्च का भी बड़ा बड़ी इम्पोर्टेंस थी, बड़ी वैल्यू थी. हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ दूसरों से सीखने के चक्कर में रहते हैं, हालांकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. सो आई वुड से कि जो इस चीज़ ने मुझे हेल्प किया वो एक मिक्स बैग था. फेलो ब्रीडर्स, सीनियर ब्रीडर्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और फिर ख़ुद काफ़ी रिसर्च की. तो योर ओन पर्सनल रिसर्च एंड योर फेलो ब्रीडर्स एक्सपीरियंस, आप जब इनको मिक्स करते हैं तो आप एक अच्छा नॉलेज बैंक डेवलप कर लेते हैं. इसमें इंटरेक्शन भी बड़ी ज़रूरी है. आई वुड ऑल्सो से कि फेसबुक पे मैंने डिफरेंट यूरोपियन ब्रीडर से रابطہ शुरू किया और उनसे फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. यानी लेवल्स है ना जी, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो मुझे वहाँ से बड़ी हेल्प मिली. उसमें एडविन है बेल्जियम से, वो इंटरनेशनल जज हैं, बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में, तो खैर काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है. एडविन हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी. जारगन है फ्रॉम एगपोर्नेस डेनमार्क, उनसे काफ़ी मुझे हेल्प आउट उन्होंने मुझे किया. सैम गिब्स से काफ़ी सीखने को मिला. पॉला सोएसा फ्रॉम स्पेन. एंड ईस्टर हैं, उनसे काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला, स्पेशली पेल फेलोज़ के हवाले से उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया. डैनी डिगोल हैं. तो खैर नंदलेस यू नो इट ऑल्सो हेल्प्ड मी टू बी इन टच विद दीज यूरोपियन ब्रीडर्स. ऑब्वियसली यूरोप में जो बड़े ब्रीडर्स हैं, चैम्पियन ब्रीडर्स हैं, ये लोग काफ़ी 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 सालों से, यानी कि दे आर देयर फॉर डेकेड्स. लॉट ऑफ ब्रीडर्स जो 30-30, 40-40 साल से ये ब्रीड करा रहे हैं. तो खैर दे हैव डिफरेंट नॉलेज टू शेयर. फिर निकोला से दोस्ती हो गई, फिर निकोला से काफ़ी हेल्प आउट मुझे हुआ. फिर आई गॉट यूरोपियन चैम्पियन ब्रड लाइन्स फ्राम निकोला ग्रैनी. ही वॉज़ वेरी काइंड टू ऑफर मी दोज बर्ड्स जो उस वक्त बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं थे. आई वॉज़ द ओनली वन टू हैव दैट बर्ड एंड दैट लाइन इन पाकिस्तान. सो दैट इज़ हाउ द हॉबी ग्रू एंड दैट इज़ हाउ आई ग्रू विद द हॉबी. सो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस ऑल जर्नी विद यू टू बेसिकली जस्ट टू मोटिवेट यू एंड जस्ट टू इनक्रेज यू कि देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम बर्ड्स ले लेते हैं लेकिन हमारे से हमारा बर्ड नहीं बिकता. तो इसे कि जी ओ जी आप तो मशहूर हैं, जी हम तो मशहूर नहीं हैं. तो देखें जी, 2016-2019 कल की बात है, 3 सालों में इफ़ आई कैन मेक अ इंटरनेशनल नेम एंड अ नेम विच इज़ वेल स्प्रेड नेशन वाइड, एनीबडी कैन डू इट. आपने मशहूर नहीं होना, बेसिकली इट इज़ योर बर्ड दैट मेक्स यू फेमस. आई वुड बेसिकली एडवाइज़ कि बाय क्वालिटी बर्ड्स. आप वो बर्ड्स ख़रीदें जो पाकिस्तान में हर किसी के पास ना हो, जिसके में कंपटीशन आपका जो है वो कम हो. और जब आप ऐसे बर्ड्स की पिक्चर्स लगाएंगे जो हर किसी के पास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप भी मशहूर होंगे. आई मीन आप अगर ऐसा बर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं जो गली महल्ले में हर दूसरे बंदे के पास है, तो इस तरह तो फिर वो कभी भी आप नोटिस ही नहीं होंगे ना. जब आप ऐसे बर्ड्स लगाएंगे जो रेयर हैं, जो कम हैं, जो क्वालिटी ब्लड लाइन्स हैं, जो चैम्पियंस हैं, तो जब आप बर्ड डिस्प्ले करेंगे वो बर्ड इतना अच्छा होगा कि लोग नोटिस करेंगे. जब 4 बंदे आपको नोटिस करना शुरू हो जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका नाम बन जाएगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सेकेंडली, यंग ब्रीडर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि वो अपने डिफरेंट सीनियर फैंसियर्स जो हैं उनसे राबते कायम करें, दोस्तियाँ बनाएँ, ताल्लुक बनाएँ,
लोगों से सीखें, लोगों के पास आए जाएं, विजिट पीपल एंड दैट इज़ हाउ यू विल लर्न. आजकल हम क्या करते हैं जी, हम सिर्फ व्हाट्सएप पे चार मैसेज भेज के वहीं से सीखने के चक्कर में होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच एवरी सिंगल पर्सन ऑन व्हाट्सएप. लेट्स से अगर आपको 10-15 बंदे रोज़ मैसेज करके कुछ पूछ रहे हैं तो समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट. कुछ दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी रिप्लाई नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है. तो आई वुड से कि ठीक है, व्हाट्सएप पे भी ज़रूर करें, लेकिन आप विज़िट करें. जब आप डिफरेंट एवरीज विज़िट करेंगे, आपको आइडिया होगा मार्केट ट्रेंड क्या है, आपको आइडिया होगा कि बड़े ब्रीडर्स ने क्या बर्ड लगाया हुआ है, क्या क्वांटिटी में बर्ड लगा हुआ है, किस बर्ड की डिमांड है, फ्यूचर में कौन सा म्यूटेशन ऐसी है जिसकी डिमांड हो सकती है. तो यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट एवरीज को विज़िट करें और लोगों को मिलें. और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ वो जो एक देसी तरीका ना कि एक उस्ताद पकड़ लिया और बस उस्ताद के पीछे लगे हुए हैं और उस्ताद से ही नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वो थोड़ा बैकवर्ड हो गया. वह इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप अपनी उस्ताद ज़रूर पकड़ें लेकिन आप अपने साथ रिसर्च करें. और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे समीउल्ला, वेरी गुड ब्रीडर फ्रॉम लाहौर, कि मुझे 2016 में समी ने ये बात सिखाई थी कि उस्ताद के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने ख़ुद रिसर्च करनी है. आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू हिम. और मुझे बड़ा बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी हेल्प हुआ मुझे इस चीज़ से. एक्सक्यूज़ मी. तो ऑल इन ऑल आई विल समराइज, गेट गुड बर्ड्स और गेट इन टच विद सीनियर फैंसियर्स, सीखें, मिलें. और उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप रिसर्च करें. चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है गेट इन टच विद यूरोपियन ब्रीडर्स, यू विल गेट टू लर्न अप टू द नेक्स्ट लेवल, एक दिस विल मेक यू गो अ स्टेप अहेड. तो इन सब चारों चीज़ों पे अमल करें, इंशाल्लाह ताला यू विल लर्न अ लॉट. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हॉबी एंड दिस इज़ अ हॉबी विच रिसेंटली इज़ बीइंग कन्वर्टेड और दिस हैज़ ऑलरेडी कन्वर्टेड इन टू अ कॉटेज इंडस्ट्री. यू विल बी शॉक्ड द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक इफ़ यू हैव गुड बर्ड्स. And you will be surprised the kind of revenues that you can generate from a very small setup with basic investments, very small investment. I think ek video main upload karunga very soon, maybe in a day or two. Usme main aapko ye pura details explain karunga ki kya ye hobby hai ya ye business hai. Agar aap isko hobby ke taur pe leke chalna cha rahe hain to ye kya iska tareekakar hai, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एज अ बिज़नेस लेके चलें तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है या उसके लिए क्या तरीक़ेकार है. थैंक यू वेरी मच. इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टॉकिंग टू यू.